खुशबूदार मसाले, कूल ग्राइंडिंग की तकनीक दे वही सिलबट्टे जैसा स्वाद। आप देख रहे हैं एडीआई न्यूज, सच के साथ लगातार। जैसे कि आज क्रिसमस का त्यौहार है, 25 दिसंबर से लेकर के न्यू ईयर तक, 1 जनवरी तक जो है यहाँ पर काफ़ी भीड़ भाड़ रहेगी, विशेष तौर से मॉल्स और इनके आसपास। इसके अलावा कई लोगों के परिवार इस समय छुट्टी पर आते हैं, तो जो मेन चौराहे हैं, क्योंकि सब लोग शॉपिंग करते हैं और कुछ लोग मंदिर जाते हैं, जैसे आज देख रहे थे जूलॉजिकल गार्डन्स के आसपास भी काफ़ी भीड़ थी। तो इसके दृष्टिगत जितने भी पब्लिक प्लेसेस हैं जहां पर भीड़भाड़ अधिक होती है, वहां पर विशेष पुलिस का डिप्लॉयमेंट किया गया है और साथ ही जो ट्रैफिक के डाइवर्जन्स हैं उनको भी लागू किया गया है। आज जो क्रिसमस है इसके लिए विशेष पीएसी का भी प्रबंध अलग से किया गया है और जितने चर्च हैं उन पर ड्यूटीज़ लगाई गई हैं। सादे वस्त्रों में भी पुलिस की ड्यूटियाँ लगाई गई हैं। जो क्रिटिकल और वाइटल इंस्टॉलेशन हैं उनके लिए हमारे जो डॉग स्क्वाड्स हैं या बॉम्ब डिस्पोजल यूनिट्स हैं और एएस चेक टीम्स हैं, उनको कहा गया है कि निरंतर जगह जगह अपना चेकिंग करते रहें और संदिग्धों पर विशेष नज़र रखें। तो हम लोग का पूरा विश्वास है कि जो ये पूरा दिसंबर क्रिसमस से लेकर के न्यू ईयर तक का जो टाइम है ये सुरक्षित व्यतीत होगा और लोग हर्षोल्लास से इसको मनाएंगे। साथ ही यह भी हम लोग ध्यान रख रहे हैं कि जो अल्कोहल या शराब का सेवन है इस पर नियंत्रण रहे। आज भी कई जगह आबकारी की दुकानों पर संयुक्त रूप से जांच टीमें गई थी, सीओ गए थे और आबकारी इंस्पेक्टर्स को भेजा गया था। इसके अलावा हम लोग डेली जो ब्रेथ एनालाइजर और अल्कोहल मीटर्स जो होते हैं उनके माध्यम से डेली चालान और इस तरह की चेकिंग सुनिश्चित करेंगे ताकि सड़क पर कोई हड़दंग न। धूमधाम से मनाया गया पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी का जन्म दिवस। लखनऊ आज कुड़िया घाट लखनऊ में भारत के पूर्व प्रधानमंत्री, राजनीति के युग पुरुष स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी का जन्मोत्सव बहुत धूमधाम से मनाया गया, जिसमें भारत के गृह मंत्री राजनाथ सिंह, पंकज सिंह, उपरोक्त सरकार की कैबिनेट मंत्री रीता बहुगुणा जोशी, कैबिनेट मंत्री ब्रजेश पाठक, पूर्व नगर अध्यक्ष मनोहर सिंह, नगर अध्यक्ष मुकेश शर्मा मौजूद रहे। इस मौके पर अल्पसंख्यक मोर्चे के पूर्व नगर अध्यक्ष मोहम्मद नसीम व कार्यकर्ता सलमान कुरैशी, प्रदीप कुमार, अनस शारिक, इरफान फुरकान आदि उपस्थित रहे। एडीआई न्यूज लखनऊ। रैन बसेरे का निर्माण करवाया और आपके द्वारा लखनऊ में 258 सबमर्सिबल की धनराशि भी संस्तुत की गई है। इसके लिए मैं कॉल करके उपलक्ष पर जोरदार तालियों से माननीय गृहमंत्री जी का स्वागत करिए। ये हम लोगों के लिए बहुत बड़ी उपलब्धि है। ऐसे अभिभावक के रूप में हम लोगों के बीच में गृहमंत्री जी की जो लगातार चिंता बनी रहती है कि विकास कितना हुआ कितना नहीं हुआ, गली में कहीं समर्थन लगा कि नहीं लगा, सड़कें बनी कि नहीं बनी, आज माननीय गृहमंत्री जी के द्वारा स्थापना और शिलान्यास का यहाँ है। इसके लिए लखनऊवासी माननीय गृहमंत्री जी के प्रति आभार व्यक्त करते हैं और एक बार देश के दूसरे संसदीय निर्वाचन क्षेत्र के सांसदों को यह लगने लगे कि प्रधानमंत्री तो अपने संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में इतना कर रहे हैं लेकिन हमारे संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में जितना काम होना चाहिए उतना नहीं हो पाता, यह भी उन्होंने पूरी सावधानी बरती। यानी राजनीतिक जीवन में काम करते हुए मर्यादा, और हमारे बुर्मी के विधायक श्री सुरेश जी श्रीवास्तव, गोत्री विधानसभा क्षेत्र के विधायक श्री नीरज जी बोरा और महानगर अध्यक्ष श्री मुकेश जी शर्मा और आदरणीय, सबका सहयोग प्राप्त रहा। इसमें सचमुच अकेले मैं इसका हकदार नहीं हूं, सभी का सहयोग प्राप्त रहा जिसके परिणाम स्वरूप यह कामयाबी हासिल हो पाई है। और यह भी कहना चाहता हूं त्रिपाठी जी, जो हमारे कार्यकर्ता थे उनकी पत्नी को आर्थिक सहायता के रूप में एक चेक दिया जा रहा है। इस बार मेरा आप लोगों से आग्रह है, आप सभी जानते होंगे ऋतु स्वरूप त्रिपाठी हमारे बहुत ही जुझारू कार्यकर्ता रहे, उनकी कुछ ही दिनों आप जानते हैं कि अपने पड़ोसी देश पाकिस्तान के साथ
भारत के कई बार युद्ध हुए हैं, एक बार चीन के साथ भी युद्ध हुआ है, लेकिन भारत और पाकिस्तान के साथ जितने भी युद्ध हुए हैं उन सारे युद्धों के इतिहास को यदि कोई पढ़े उस पर भी नजर डाले